है एवरी वन, वेलकम बैक टू माई अदर ब्लॉग। तो यहाँ पे फाइनली अब हम लोग गाड़ी में बैठने जा रहे हैं, तो पूरी डिग्गी हमारी सामान से ही फुल हो गई है। देख सकते हो आप लोग कितना सारा सामान हमको लेके जाना पड़ता है, कि हर एक चीज़ हमको यहीं से लेके जानी पड़ती है। तो हम आए थे, कुछ मेरा सामान छूट गया था बहुत ज़रूरी, वो हम दोबारा से लेने आए थे, और पानी की बॉटल ले लेंगे और फिर हम चलते हैं। तो अभी तो हम बिल्कुल अच्छे अच्छे से थे, आप लोग देख सकते हो, हंस भी रहे हैं। रास्ते में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है गाइस, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं इतना परेशान हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे क्यों ऐसे कर रही थी, क्योंकि वो बिटिया है ना छोटी सी चाची की, वो मुझे देख के ऐसे मुंह फैलाती है, तो मैं भी उसकी तरफ ऐसे देख के मुंह फैलाती हूँ, तो वो और भी कस के फैलाती है। तो यहाँ पे पूजा मम्मी का इंतज़ार कर रही थी, तो मम्मी भी आ गई, और अब हम फाइनली बैठ लेते हैं गाड़ी में और चल देते हैं। तो आज तो हम ससुराल अपनी पहुँच ही जाएंगे, लेकिन रास्ते में हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मुझे तो लग रहा था ससुराल नहीं, हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा मुझे। और गाड़ी में ऐसा मुझे पहली बार हुआ है। और तो चलिए गाइस, बने रहिए, और न्यू आते हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बेल आइकन के साथ में, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखो गाइस। आ गए हैं आधे रास्ते पे, और मेरा जी बहुत तेज से जी मालिश कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि अब उल्टी हो जाएगी हमको। और 4:30 बज गया है, और हम लोग देखते हैं पहुंचते हैं, 5:30 बजे पहुंचेंगे जाके। अभी 1.5 घंटा और लगेगा हम लोगों को, 1 घंटा पूरा का पूरा। तो चलिए फिर बने रहिए। तो यहाँ पे हम सीतापुर पहुँचने वाले हैं, और हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेरे पता है क्या हुआ, पूरे एकदम से मुझे इतनी तेज़ से गर्मी लगी कि मैंने जैकेट निकाल के फेंक दिया, और मेरा फेस भी देख लो इतना रेड रेड हो गया, पसीना पसीना मैं हो रही थी। जी मालिश तो पूछो नहीं कितना कर रहा था, और बिल्कुल शरीर जैसे लग रहा था कि कुछ ताकत ही नहीं रह गई है। और ये लोग तो बैठे हुए थे आराम से, फिर उसके बाद मुझे फिर ठंडी लगने लग जाती है, बार बार मुझे यही हो रहा था, ठंड लग रही थी और गर्मी लग रही थी। तो हम यहाँ पे पहुँच गए सीतापुर, और यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान लेना है वो ले लेंगे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से, क्योंकि मेरी तबीयत भी बिगड़ रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लग रहा था और कि मैं जाऊं, जैसा लग रहा था कि मुझे अब डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन मैं मेडिसिन लेके आई थी, सारी 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 चीज़ें, तो मैं निकाल के खाऊंगी, नहीं तो मैं घर तक जा भी नहीं पाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा था रास्ते में। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग अभी एंड तक रहना, और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आज का ब्लॉग। तो हम जा रहे हैं अपने घर, तो मैं यहाँ पे पहुँच गए। मौसी कहाँ पहुँचे? सीतापुर। सीतापुर में पहुँच गए अपने घर जा रहे हैं। तो जब हम लोग घर आ जाएंगे तब हम आपको मिलेंगे, दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय। तो गाइस, हम लोग सीतापुर पहुंच गए, और हमें पता नहीं क्यों इतनी उलझन हो रही है, और जी इतना मालिश कर रहा है। तो खैर, हम दवाई का पूरा अपना बॉक्स लेके आए थे, ये देखिए, तो मुझे मिल गई इसमें से दवाई, तो हम एक निकाल के खा लेते हैं, नहीं तो हम रास्ता भी 1 घंटे का कैसे पार करेंगे। तो अभी तो हम लोग सीतापुर पहुँचे थे, तो मैंने मेडिसिन निकाली और मैं खाने जा रही हूँ, और भाई ने साइड में लगाया था गाड़ी को, क्योंकि उनको कुछ शॉप के लिए सामान लेना था, पापा ने मंगवाया था वही।
तो यहाँ पे मैंने दवाई तो खा ली, लेकिन मुझे इतनी जल्दी तो आराम मिला नहीं। जब मैं ससुराल पे गेट पे पहुँच गई हूँ ना, तब जाके थोड़ा मुझे रिलैक्स हुआ है, वरना मैं इतना परेशान तो इससे पहले गाड़ी में कभी भी नहीं हुई, चाहे जितनी दूर मैं चली जाऊँ, लेकिन मैं कभी भी परेशान नहीं हुई। पहली बार मुझे 2.5 घंटे का रास्ता 5 घंटे का लग रहा था कि मैं कब पहुंचूंगी कब नहीं पहुंचूंगी। तो यहाँ पे भाई कह रहा था और तो नहीं कुछ लेना है, तो मैंने कहा और कुछ नहीं लेना है और बस यहाँ से जल्दी से चलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा मन कर रहा था बस मैं लेटूं जाके घर पहुंचने के बाद। तो देखते हैं फिर वहाँ चल के क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिर मुझे ठंड लगने लगी, तो मैंने फिर जैकेट डाल लिया। तो भाई खीर लेके आया था, वही जो हम लोग सीतापुर में आके खाते हैं, तो वो मैंने खाई ना, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा टेस्ट, मतलब मेरा चेंज हो गया था ना, जी मालिश हो रहा था इस वजह से। लेकिन मैंने खीर खाई तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इतना भी मैं ठीक नहीं हुई थी कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो मुझे, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। तो चलिए फिर अभी आप लोग बने रहिए। Wish all the hashtags, likes, and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah. तो गाइस हम ससुराल के बहुत ही करीब आ गए हैं, ये है महोली, और यहाँ पे हमारी और बाबू के साथ में बहुत सारी यादें भी हैं, क्योंकि हम लोग यहीं की मार्केट करने आते थे, ट्रेडिंग वगैरह भी यहीं करवाने आते थे, या कुछ लेना होता था तो महोली आते थे। तो बहुत सारी यादें हैं बाबू के साथ में हमारी इस महोली में भी। तो हम अब अपने ससुराल के बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं, तो आप लोग प्लीज़ अभी बने रहना। तो वही मैं देख रही थी बहुत गौर से, और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था घर से, तो मैं बहुत खुश होके जा रही थी, सोच रही थी कि हाँ जाऊंगी, लेकिन रास्ते में ना मैं बहुत, एक तो बीमार भी हो गई जी मालिश होने की वजह से, फिर वही सोचे जा रही थी कि वहाँ जाऊंगी और अकेले कैसे रह पाऊंगी, क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, यही सब अपने मन में। और अनिका को आप लोगों ने देखा, जैसे उन्होंने कहा मैं अपने घर जा रही हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। और ठंड हो रही है ना ज़्यादा इस टाइम, तो वही मैं सोची जा रही थी कैसे वहाँ पे ठंड में अनिका को रखूँगी, और मेरी आंखें बंद हो रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं अजीब सा फील हो रहा था। लेकिन हाँ फाइनली अब हम लोग पहुँच ही गए हैं अपने घर, और आज मैं एडिटिंग अपने ससुराल से ही कर रही हूँ गाइज, इतने टाइम शाम को। तो चलिए फिर आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी तरफ का व्यू। तो ये हमारी तरफ एक पुल पड़ता है, और फिर हमारी ससुराल का रास्ता आ जाएगा गाइस, जहाँ से हमारे गांव का गांव वाली ससुराल है, उस घर के जाने का रास्ता आएगा, वो हम आपको अभी दिखाएंगे, तो आप लोग देखिए। और यहाँ से हमारा घर जहाँ पे हम जाएंगे वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे है, मोहोली से ही हमारा घर 10 किलोमीटर दूरी पे है। तो अभी हमको 10 मिनट तो लग ही जाने हैं पहुँचने पहुँचने में, तब तक मैंने रास्ते का व्यू थोड़ा सा शूट किया था। तो ये है हमारी गांव वाली ससुराल की तरफ जाने का रास्ता, जिधर हम लोग जा रहे हैं। और अनिका को देख सकते हो, उनको भी गर्मी लग रही थी तो उन्होंने भी जैकेट निकाल दिया, और बहुत ज़्यादा मगन है, बहुत ज़्यादा वो खुश हैं अपने घर जाने के लिए, परेशान थी। तो हम लोगों को रात हो जाती है गाइस, और बोलने में कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी,
तो हम आ गए अपनी ससुराल। तो ये हमारी जहाँ पे हमारा मकान है वहाँ का छोटा सा चौराहा है, तो यहाँ का भी हमने आपको दिखाया जहाँ पे हम आते हैं मार्केट करने के लिए, सब्जी वगैरह लेने के लिए, ये वही जगह है। और फाइनली अब हम लोग पहुँच गए, बस आपको घर तक पहुँचते हैं और दिखाते हैं। पता नहीं मैं कैसे वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं कर रही हूँ ना तो मेरा सर दर्द हो रहा है बहुत तेज़ से, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ये है एक छोटा सा चौराहा, यहीं पे हम आते हैं शॉपिंग करने के लिए, जब सब्जी वगैरह लेने के लिए जब हम अपनी ससुराल में रुकते हैं। और अनिका खेल रही हैं इसलिए आपको आवाज़ें आ रही होंगी, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो खेल रही हैं, उनको हम चुप नहीं कराना चाह रहे, नहीं तो वो फिर मोबाइल मांगने लग जाती हैं। तो चलिए फिर हम आपको अपना घर दिखाते हैं, और कितने लोग खुश हुए हैं मेरे ससुराल आने से। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सपोर्ट भी करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे अंधेरा है रास्ते में, थोड़ा सा मैंने ये शूट किया था। लो फाइनली हम आ गए अपने घर, यानी कि अपने जहाँ पे हम अपने बाबू के साथ में रहते थे, ये रहा हमारा घर। और घर कितना सोना है ना, कोई नहीं आपको दिख रहा है, बस यही तो बहुत ज़्यादा दिल को दुखाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। जब मैं घर आती हूँ मुझे कोई भी नहीं दिखता है, नहीं तो बाबू आपको ना सामने खड़े मिलते, बस सोच लेती हूँ कि वो वहीं पे खड़े हैं और हंस रहे हैं कि नहीं आ गई है, और बस यही सोच लेती हूँ और कुछ भी नहीं। तो हम आ गए अपने घर। तो चलिए फिर आज से आपको ससुराल के ब्लॉग देखने को मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, प्यार देना। तो अब हम यहीं पे आज का ब्लॉग एंड करेंगे, क्योंकि मुझे अभी जिन पूछना है चाबी के बारे में कि चाबी कहाँ है, क्योंकि मेन गेट बंद है तो चाबी के लिए पूछना पड़ेगा। तो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, उम्मीद करते हैं सब अच्छा लगा होगा। बाय गाइस, लव यू।